बहनों और भाइयों, आज हमारा गाजियाबाद कितना बदल चुका है। मुझे याद है, आज से पहले जब हम लोग गाजियाबाद आते थे तो गाजियाबाद की स्थिति क्या हुआ करती थी। एक तरफ भगवान दुग्धेश्वर नाथ का यह पावन मंदिर और दूसरी तरफ गाजियाबाद की स्थिति, यहां के अंदर 10 वर्ष पहले गंदगी का अंबार होता था, अराजकता थी, गुंडा टैक्स वसूली जाता था और माफियाओं की समानांतर सरकारें यहां पे चलती थी। आज बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं गाजियाबाद एक स्मार्ट सिटी बन चुका है, स्मार्ट सिटी और एक सुंदरतम सिटी के रूप में अपना स्थान आगे बढ़ाते हुए जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सुरक्षा का भी बेहतरीन माहौल, पूरी विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ते हुए जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए आज तत्पर दिखाई देता है। 7 वर्ष पहले जो लोग गाजियाबाद आए होंगे, आज जो आज के गाजियाबाद को देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। आज गाजियाबाद के अंदर 12 लेन का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 12 लेन का हाईवे भी आपके पास है, देश की पहली रैपिड रेल भी आपके पास है, मेट्रो की सेवा भी आपके पास है, एयरपोर्ट की सुविधा भी आपके पास है। और अभी तो हम लोग गाजियाबाद में एम्स दिल्ली के एक सैटेलाइट सेंटर की भी तैयारी करने जा रहे हैं। यहां पर गाजियाबाद में एम्स की स्वास्थ्य सुविधाएं इसी गाजियाबाद में प्राप्त होंगी, इसके लिए हम लोग अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल बनता जा रहा है। यहां निवेश भी है, यहां रोजगार भी है, यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो पूर्वांचल और उत्तराखंड के भवन भी आज यहां बनकर के कन्वेंशन सेंटर के एक मॉडल जनता की आवश्यक कार्यक्रमों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये रोजगार का माध्यम भी बन रहा है, तो साथ साथ आस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्य कर रहा है। आज दुग्धेश्वरनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की सुंदरीकरण की योजना आप सब देखते होंगे। पहले 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले अगर उन सरकारों का बस चलता तो समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर उनका बस चलता या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार के नजारे इन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों के कारगुजारियां भी थी। वे लोग आज दावे को बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनके काले कारनामों को अगर आप एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये लोग केवल, इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे
किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पर चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण केराना जैसी घटनाएं घटित हुई। केराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है।